मोहिद्दीन चौधरी। तो मोहिद्दीन चौधरी साहब, आज की जो पत्रकार वार्ता है उस किस विषय में है, उस बारे में जरा बताइए। आज की जो पत्रकार वार्ता है, ये विषय ये है कि वार्ड नंबर 6 मोहिद्दीन चौधरी कॉरपोरेटर, हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं मैम जो हमारे लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, हमारे ठेकेदारों को और हमें भी। वो हम पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, बिल निकल गए हैं। ऐसा नहीं है। वार्ड नंबर 6 के अंदर ये एनएटी है अब वाली, और भी इसमें ये 36 लाख, ये अलग काम। कहने का मतलब है कि जिस जिस किस्म से हमने फंडिंग आती है, ये अयूब मलिक नाम का है, हारा हुआ लीडर है, अब इसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आज आके ये लोगों को, जब ये टेंडर लग चुके हैं और कुछ गलियों के काम ऐसे हैं कि इन्होंने जाके खुद बंद करवाए हैं, इन्होंने जाके खुद बंद करवाए हैं, जब इनको पता चल रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमने कोई बाबा वाली गली में एक गली का टेंडर निकल गया, इन्होंने क्या किया, कमिश्नर मैडम के पास या कमिश्नर के पास जाके इन्होंने कहा नहीं जी, उस गली का जो एस्टिमेट है कैंसिल कीजिए, कोई और गली बनाइए, वो गली जो है अच्छी है। जब हमें इस चीज़ का पता चलता है तो हम अपने लेटर पैड पे फिर लिख कर देते हैं कमिश्नर मैम को कि ये मैम ये गली नहीं बनी हुई है। हमें ये पता चलता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर जो है गलत इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर देता है, हमारे ठेकेदारों को हरासमेंट करता है, हमारे ठेकेदारों पे ये ब्लेम लगाता है कि जी काम नहीं हुआ, बिल निकल गए हैं। आज आपको पता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये कोई छोटी कॉरपोरेशन नहीं है, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, और जियो टैग है। आज जहाँ पर वर्क होता है पहले उसका एस्टिमेट बनता है, उसके साथ उसके फोटो लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अयूब मलिक जो है ये खुद गलत आदमी है। गलत आदमी कैसे है, क्योंकि इसने खुद स्टैंड जो है चाय बार सुट्टा जो यहाँ पर खोला हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड पर खोला हुआ है। जब ये पीला पंजा गरीब बस्तियों पे चल सकता है तो इन लोगों पर क्यों नहीं चल सकता है। इनके होटल, इनके सर्विस स्टेशन, ये सारे इनलीगल हैं, ये सारे गवर्नमेंट की लैंड पे हैं, ये हमारे हसाई भाइयों के कब्रस्तान की जगह है, वहाँ पर इन्होंने ये जबरन जो है जबरन कब्जा कर वहाँ पे ये इन्होंने अपने होटल और अपना ये है चाय सुट्टा बार और सर्विस स्टेशन जो है खोला गया है। और 25 जनवरी को एक गाड़ी पकड़ी जाती है यहाँ पर गुजर नगर पुलिस नाके पे, उसके ऊपर जो है बाइक का नंबर है, वो गाड़ी कश्मीर से है, उसका आरटीओ ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक वो गुजर नगर चौकी के बाहर ही गाड़ी लगी हुई है। हम ये आईजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई अभी तक उसके ऑनर पर पर्चा क्यों नहीं लगा, उसके ओनर पर पर्चा क्यों नहीं लगा, और उस गाड़ी की अभी तक वो तहकीकात क्यों नहीं हुई। क्या पता देश के इस टाइम क्या हालात है, वो गाड़ी किस केस में मसल्लफ हो, क्या मामला हो। हम चाहते हैं कि इसकी जो है पूरी तहकीकात की जाए। तो पुल के ऊपर जब ये रिपेयरिंग का काम लगा हुआ था, वहाँ के एक ठेकेदार थे, मैं खुद भी उस वक्त, देव ठाकुर जी हमारे साथ आए थे, हमने भी वो कवरेज किया, वो दिल्ली की एक कंपनी थी, तो लोहे के एंगल ये उस टाइम लगा रहे थे। मैंने भी उनको काफ़ी झाड़झूड़ की, उस टाइम कवरेज भी किया था देव ठाकुर जी ने। उस वक्त ये पुल की वाकई बड़ी खस्ता हालत थी, वो एंगल लगाने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बाकी रही सुसाइड पॉइंट की, हमने डीसी मैम को जो है इसका लेटर दिया है कि यहाँ पर जो है वो फेंसिंग की जाए, पर लेकिन अगर पैचिंग की बात की जाए तो हमेशा उसको ठीक करने के लिए पैचिंग ही की जाती है, उसे एक बार पूरी तरह से समतल क्यों नहीं कर दिया जाता। पैचिंग की बात है कि यहाँ पर एक कोई टेंडर निकलना चाहिए, छोटी छोटी जहाँ छोटे छोटे खड्डे होते हैं वहाँ ये छोटी छोटी पैचिंग ही करते हैं, या तो इसका टेंडर निकालें, पूरे लुक का टेंडर निकालें, पूरा ब्लैक टॉप करें, तो वो ज्यादा बेहतर रहे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से विक्रम चौक वाले पुल जो है बहुत अच्छी कंडीशन में है, कहीं ना कहीं इस पुल को भी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए? इस पुल को भी अच्छी कंडीशन में, हाँ थोड़ी सी अच्छी कंडीशन हुई है, जैसे आप रात को देखते हैं कुछ लाइटें वगैरह लगी है। बेसिकली मैम ये आधा पुल मेरे एरिया में आता है, आधा पुल जो है वो बागे बहु के एरिया में आता है, ये इशू भी एक बहुत बड़ा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे।